YouTube चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज हम ऑपरेशन थिएटर की क्लासेस में जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल इंस्ट्रूमेंट तो आप जानते ही होंगे कि ये जो जनरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सर्जरी में हमेशा यूज किए जाते हैं और ट्रॉली में हमेशा ही लगाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुरेटी स्कूप के बारे में कि आखिर ये कुरेटी स्कूप क्या कहलाता है और इसका यूज कैसे किया जाता है या कब किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें आपको ऑपरेशन थिएटर के हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं कुरेटी स्कूप। अब ये कुरेटी स्कूप क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे आपने घर पे अपने घर पे चम्मच तो देखा होगा ना, सेम स्पून टाइप का होता है ये कुरेटी स्कूप। ठीक है स्टूडेंट, हम आगे आपको इसको डायग्राम भी दिखा देंगे जिसमें आप देख के समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम इस इंस्ट्रूमेंट का इंट्रो देख लेते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज खुरचने वाला इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, मतलब कुरेटी स्कूप को हम खुरचने वाला इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब खुरचने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही सर्जरी की जाती है तो सर्जरी करते टाइम जब हम ऑपरेटिव पार्ट को ओपन करते हैं तो वहां पे बहुत सारे कुछ टिश्यूज होते हैं। ठीक है, टिश्यू मतलब ऊतक होते हैं और वो जो ऊतक होते हैं इन ऊतक को खुरचने के लिए, इन ऊतक को साफ करने के लिए कुरेटी स्कूप का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टिश्यूज होते हैं जिनको साफ करने के लिए, खुरचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं किसका, कुरेटी स्कूप का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट ये क्या होता है? बीच में मोटा होता है, टिप वाले पार्ट में पतला हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, वैसे मैंने इसको बनाया, ज्यादा अच्छा तो नहीं बना हुआ है, फिर भी ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये बीच में कैसा होता है? मोटा होता है, आप देख पा रहे होंगे, और जैसे जैसे इसका जो कॉर्नर टिप वाला पार्ट होता है ये पतला होता जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि आपने अपने घर पे स्पून देखा होगा, स्पून में स्पून का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, जो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट होता है जिससे हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो वाला पार्ट क्या होता है? गहरा होता है। सेम वैसे ही ये वाले जो पार्ट होते हैं ना, ये वाले पार्ट होते हैं गहरे होते हैं, ये दोनों पार्ट, इन्हीं दोनों पार्ट से खुरचना होता है। ठीक है, मतलब टिश्यूज को साफ करना पड़ता है या निकालना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया और हड्डी टूट गई है, ठीक है, उसका बोन फ्रैक्चर हो गया, तो होता है क्या, जब बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं तो वहां पे बहुत छोटे छोटे टिश्यूज आ जाते हैं, छोटे छोटे बोन्स के छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं, तो उन बोन्स के छोटे छोटे टुकड़ों को जब हमको निकालना होता है, ठीक है, तो हम उस टाइम पे कुरेटी स्कूप का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलता है इसी इंस्ट्रूमेंट का हेड बॉडी ऑर्गन को, सरफेस को क्या करता है? खुरेचने के शेप से बनाया जाता है। मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट का ये जो टिप वाला पार्ट होता है, ये दोनों जो टिप वाले पार्ट होते हैं ये ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें टिश्यूज को आसानी से खुरच सके। ठीक है स्टूडेंट, खुरच सके मतलब साफ कर सके। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रैपिंग करना भी बोल सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, करेटिंग करना या क्यूरेटिंग करना भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है इसका यूज, आखिर इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किस लिए किया जाता है? तो ग्रेन्यूलेशन, ग्रेन्यूलेशन का मतलब क्या है? टिश्यूज के छोटे छोटे उभार, हमारे जो इंटरनल पार्ट में यदि टिश्यूज के जो छोटे छोटे उभार हो जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रेन्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, देन साइनस, साइनस हमारी बॉडी में पाया जाता है, तो हमारी बॉडी का जो खोखला सरफेस होता है उसे हम साइनस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कैविटीज, हमारी बॉडी की जो कैविटीज, गुहा का जो सरफेस होता है, कैविटीज का जो सरफेस होता है उसे खुरचने के लिए या स्क्रैप करने के लिए, स्क्रैप करने का मतलब छीलना कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमने क्या बोला, ये टिश्यू है ना, ये टिश्यू है, टिश्यू के ऊपर यदि हम इसको थोड़ा सा खुरचना चाहते हैं तो खुरचने के लिए हम कुरेटी स्कूप का यूज करते हैं। ठीक है, तो यूज कब कब किया जाता है? आपकी बॉडी में यदि टिश्यूज के उभार है, कोई सिस्ट है आपकी बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बॉडी ऑर्गन है और यहाँ पे ऊपर एक सिस्ट हो गई है, ठीक है, तो ये ऊपर वाली सिस्ट को हमको निकालना है, तो हमने कट किया, यहाँ से कट करके निकाल दिया, बट कुछ पार्ट हमारी बॉडी के ऑर्गन से टच रहता है तो उसको साफ करने के लिए हम खुरचते हैं, जब हम किसका यूज करते हैं? कुरेटी स्कूप का। ठीक है, आपकी बॉडी में साइनस होते हैं, साइनस का जो सरफेस होता है उसको भी खुरचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कुरेटी स्कूप का यूज करते हैं। देन स्क्रैपिंग करने के लिए, आपकी बॉडी में आपकी बॉडी में साइनस है, कैविटीज है, कोई भी टिश्यूज है, उसको छीलने के लिए, साइनस का उसको छीलने के लिए, उसको स्क्रैप, छीलने का मतलब होता है स्क्रैप, स्क्रैप करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? कुरेटी स्कूप का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जनरल इंस्ट्रूमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और जहां तक इसका सारी सर्जरी में यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।